ये ले जी, हमारी सिल्की जो है वो अपने नए घर में जो है वो मूव हो चुकी है, और इसके ऊपर से हमने सब उठा दिया। इसका पानी भी हमने बाहर निकाल लिया फ़िलहाल के लिए, और अब जो है ना हम उस तरह का वाटर फीटर एक और लेके आते हैं भर के, और इसके लिए जो है ना पानी बाहर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज के जो हमारे काम है वो हमने निपटा लिए हैं, दाना पानी जो है वो कर लिया हुआ है हमने, और वो देखें हमारा डेनिश का जोड़ा सेकंड खुड्डे में जो है ना घुस के बैठा हुआ है। हो सकता है इनको ये जो है ना खुड्डा पसंद आ गया है, और अब ये इसमें जो है ना वो अंडे देने स्टार्ट कर दें। मैं आपको ज़रा दरवाज़ा खोल के ज़रा दिखाता हूँ सही से। ये देखें मेल और फीमेल दोनों बैठे हुए हैं इसमें, और आज जो बेसिकली हम काम करने वाले हैं वो ये है कि जो सेपरेशन वॉल हमने बनानी है इधर इस साइड को उस साइड से डिवाइड करने के लिए, वो हम बनाने लगे हैं। नीचे से हम हमारी ड्रिल हथौड़ी ये हमारी सॉ जो है आरी ये ले आए हैं, कील वगैरह ले आए हैं सारे, और जो लकड़ी के भाले हैं हमारे वो सारे यहीं पड़े हुए हैं ऊपर ही, और जाली भी पड़ी है और वो कटर भी पड़ा हुआ। तो थोड़ी देर में जो है ना वो हम जाली और कटर भी लेके आएंगे इधर। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये है कि इन लकड़ियों के पीसेस काटने और जोड़ के एक फ्रेम बनाना, फिर इन गोलों की मदद से जो है ना जाली लगाएंगे। लेकिन पहला काम सबसे पहले हम फ्रेम तैयार करते हैं। तो हम जो है हमारा इंची टेप की तरह उसको लेके जाते हैं, और जाके जो है ना नाप लेके आते हैं कि हमें एग्जैक्टली कितने का जो है वो फ्रेम बनाना है, कितने इंचेस का जो इसके अंदर सही फिट आ जाए। हम इसकी लेंथ नापेंगे ऐसे और ऐसे, लेकिन अंदर वाली साइड से, क्योंकि फ्रेम तो हमने इसके अंदर फिट करना है, तो यहाँ से नापना स्टार्ट करेंगे अंदर। और एक दफ़ा मेजरमेंट्स ले लूं फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या मेजरमेंट्स आई हैं। क्योंकि हमारा फ्रेम 3 फुट ऊपर है, तो बेसिकली 3 फुट ऐसे हाइट के 2 हमने लकड़ी के पीस काटने हैं, और इस तरह जो है ना 2 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हम जो पीस काटेंगे वो 2 फुट से थोड़ा कम काटेंगे, क्योंकि जो लकड़ी की चौड़ाई है ना वो भी हमने बीच में काट देनी है, क्योंकि ये लकड़ी जब बीच में फिट होगी तो इतना हिस्सा जो है ये भी स्पेस खाएगा। तो 3-3 फुट वाले पहले काटते हैं, फिर 2 लकड़ियां रख के उसके आगे एक पीस रख के देखेंगे कि कितना जो है मेजरमेंट हमें काटना पड़ेगा बीच वाले उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो अभी मेरे बोलने से आपको इतना ईजीली नहीं समझ आएगा, मैं जो है ना काम स्टार्ट करता हूँ और फिर जो है ना आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखें 3 फुट के 2 पीसेस हमने काट लिए हैं, और अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जितना पीस चाहिए वो हम नापेंगे। बेसिकली जितनी टोटल लेंथ बनी है हमारी बीच में, और उसको उसमें से ये दोनों की जो जितनी वेट है ना वो हम माइनस करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे, ताकि हमारा जो बीच वाला डिस्टेंस है वो बड़ा छोटा ना हो, और जो हम फ्रेम बनाए वो इजीली बीच में फंस जाए। एक दफ़ा हम फ्रेम बना के बीच में फिट करके लाजमी ट्राई करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर जो है ना वो जाली लगाएंगे। गाइस ये चेक करें, ये 3 फुट की लड़ ऐसे आएगी, 3 फुट की लड़ इधर वाली ऐसे आएगी, और इन दोनों को जोड़ने के लिए ये जो पीस है वो इसके बीच में आएगा ऐसे। तो नाप हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया पहली बार में, और अब बेसिकली ये कनेक्ट करने के लिए एक और इस तरह का पीस चाहिए, और हम फ्रेम तैयार करके लेके आते हैं और फिर इधर बीच में फिट करते हैं। सेपरेशन वॉल बन जाएगी ना, तो फिर हम एक पीस जैसा ये लगा हुआ ना हमारे हाथ के पास ये वाला, वैसा इधर भी लगाएंगे, जिसके बीच में हम सेपरेशन वॉल ऐसे ना बीच में फंसा सकें। तो एक हम टुकड़ा इधर ऊपर की साइड पे लगाएंगे, एक नीचे साइड पे लगाएंगे, और उसके अंदर सेपरेशन वॉल को फंसा देंगे, ताकि जो है ना ये हमारी मुर्गियाँ उसको गिरा ना दें सेपरेशन वॉल के अंदर, उसको धक्का दे के।
तो जल्दी जल्दी जो है ना ये अपना फ्रेम जो है ना इसको रेडी करते हैं। ले जी हमारी खिड़की फ्रेम रेडी हो गया, और ये दो दो पेच इस तरह जो है ना मैंने लगाए हैं चारों साइडों पे, और हमारे लकड़ी के पीसेस जो हो गए ना जॉइन हो गए। अच्छा अब नेक्स्ट काम ये करना है कि हमने इसकी साइडों का नाप लेना गोलों के लिए, और जाली काट के इसके ऊपर जाली लगानी है। तो फटाफट जो है ना सारे काम करते हैं हम। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फ्रेम रेडी हो गया था, और ये वो पीस की बात कर रहा था जो इन इसको जो है ना अपने बीच में फंसा लेगा और ज़्यादा हिलने नहीं देगा। एक पीस इधर लगाया, एक पीस जो है ना हम यहाँ पे लगा देंगे, और ये भी जो है ना इधर से कहीं से बाहर नहीं जा सकेगा, और सेपरेशन ऊपर को निकलेगी साइड वाइज जो है कहीं नहीं जाएगी अगर कोई इसके अंदर आके लगेगा भी तो। और ये वाला पोर्शन जो है हम हमारी सिल्की को दे देंगे एक दफ़ा ये जो है ना हमारा सेटअप थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए तो। और हमारी बबली को ये वाला पोर्शन, इस साइड वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो गाइस दूसरा पीस भी हमारा लग चुका है। अब ये देखें ये जाली ज़्यादा से ऐसे हिलेगी थोड़ी बहुत ही, लेकिन जाएगी कहीं नहीं, और ऐसे बाहर भी आ सकती है जब हम इसको एक वन बिग पोर्शन बनाना चाहें, जब मर्जी बना सकते हैं। और हमारा सेपरेशन वॉल वाला काम भी जो है ना वो हमने कहा था कर देंगे, लेकिन क्योंकि हमें एक मशवरा मिला कि हम अपनी मुर्दी के साथ ज्यादती कर रहे हैं और उसको टाइम नहीं दे रहे कि वो उठ सके बाहर घूम फिर के वॉशरूम करके दोबारा बैठ सके अंडों पे, और हमने उसको बंद करके रखा हुआ, तो वो काम जो है ना वो हम ख़त्म करने लगे हैं। अब उठाते हैं हमारी सिल्की को प्यार से, और यहाँ पर रखते हैं उसका क्रेट, और इसका जो ऊपर हमने छत दी हुई है इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ये ले जी हमारी सिल्की जो है वो अपने नए घर में जो है वो मूव हो चुकी है, और इसके ऊपर से हमने सब उठा दिया। इसका पानी भी हमने बाहर निकाल लिया फ़िलहाल के लिए, और अब जो है ना हम उस तरह का वाटर फीटर एक और लेके आते हैं भर के, और इसके लिए जो है ना पानी बाहर रखते हैं ताकि अपने इससे बाहर निकला करे, थोड़े देर घूम फिर के जो है ना दोबारा अपने अंडों पर बैठा करे। अपनी मर्जी है अब इसकी, जब अंडों पे बैठना है बैठे, नहीं बैठना है ना बैठे, और हम ये सब सामान जो है ना वो बाहर रख देते हैं। गाइस ये चक्कर है, मैंने इसको पानी यहाँ रख दिया, दाना भी इधर गिरा दिया मैंने, खुद ही खा लेगी, और ये देखें इसने जो है ना वॉशरूम बाहर निकल के करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन नेहा इसका चेक करें, इसको बबली और बबली के बच्चों के साथ नहीं क्या मसला है, उनको देख रही है बड़े शौक से और जाने की कोशिश कर रही है उनके पास, लेकिन ये जा नहीं सकेगी क्योंकि अब हमने थोड़ा परमानेंट काम किया ये बीच में सेपरेशन वाला। और इसको जो है ना इसके अंडे देखें 11 के 11 जो हैं वो अभी पड़े हुए हैं, देखते हैं इनमें से कितनों में बच्चे निकलते हैं कितनों में नहीं निकलते। इनकी लगे हाथ हम कैंडलिंग भी कर सकते हैं अभी देखने के लिए कि बीच में बच्चे डिवेलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। चलो तुम दूसरों के बच्चों पर नज़र ना डालो, अपने अंडों पर जाके बैठो खाना पीना खा के चलो। तो गाइस आप देख सकते हैं सिल्की अपने सेक्शन में इसलिए नज़र आ रही क्योंकि वो क्रेट में जाके बैठ गई है। तब से मैं बैठ के यही देख रहा था कि ये जो बाहर निकल आई है ये वापस अंडों पे जाके बैठती है कि नहीं बैठती, तो बैठ गई है, तो हमारी स्ट्रेस जो है ना थोड़ी सी ख़त्म हो गई है क्योंकि हम बार बार जगह भी तो चेंज किए हैं, तो इसलिए मैं स्ट्रेस लेता था। वैसे तो मुर्गी अपने अंडों पर बैठ ही जाती है एक दफ़ा जा देने स्टार्ट कर दे। और वहाँ पे बबली को देखें अपने बच्चों को खोद खोद के जो है ना खाना पीना सिखा रही, जहाँ से खुदाई करती है खाना स्टार्ट करती है बच्चे भी दौड़े दौड़े आते हैं सारे उसके पास। हम एक काम ये करते हैं कि अपनी जो है मुर्गियों को शाम के लिए खाना भी डाल देते हैं, इनकी खाने वाले फीडर्स में सारे भर देते हैं खाना, ताकि इनकी जो रात है ना वो ईज़िली निकल जाए, क्योंकि पानी वाले दोनों फीडर्स जो हैं हमारे वापस से इस्तेमाल में आ गए, तो हम खाना जो है ना अपनी इस खाने वाली ट्रे में भर के ले आए और हमारे मुर्गियों को ये देख डालने तो दो भाई उतरो, ये देखें ऐसे करोगे खाना आधा नीचे गिरेगा आधाया होगा, फिर खुद ही नीचे से चुन चुन के खाना, मैंने और नहीं ला के डालना। पहले थोड़ी आशी तो नहीं कूट रहे तुम चिकन कूप में, ऐसे A1 लोग सादे बाजरे पे पालते हैं अपनी मुर्गियाँ, मैं इनको ऐसे लेविशिंग जो है चीज़ें ला ला कर डालता हूँ
ताकि इनकी जो सेहत अच्छी रहे, इनको सर्दी ना लगे, ये बीमार ना हो, इनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो ये जो अंडे देंगे उनमें से जो बच्चे निकलेंगे उनकी भी इम्यूनिटी अच्छी होगी। पहले तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ से पल के आई हुई हैं, तो उम्मीद तो है जो हमारे घर के जो चूज़े पले हैं उनके आगे से जो बच्चे निकलेंगे उनके इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग होगी और ज़्यादा चांसेस जो हैं वो हमारे जो है ना वो बढ़ जाएंगे बच्चे निकलने के। ये जो बबली ने भी जिन अंडों पे बैठी थी, 5 बच्चे निकले हैं, 3 से 4 अंडे ऐसे थे कि उसमें बच्चे डेवलप हुए हुए थे लेकिन इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो शेल क्रैक नहीं कर पाते और वहीं दम तोड़ देते हैं अंडे के अंदर ही, और बाकी अंडे जो थे वो आप समझें ज़ाया थे। 4 अंडे जो है ना वो ऐसे बीच में से ब्लैक सा ग्रे सा मैटर निकला जैसे मैंने आपको दिखाया था। हमारे ये गिनी फाउल्स देखें ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। हेलो, क्या हाल चाल है तुम्हारा, है ठीक हो सब? गाइस वो चेक करें, बबली ने बच्चे अपने नीचे नप लिए हैं, शाम हो गई है, ठंडी हवा चलनी स्टार्ट हो गई है तो उसने बच्चे अपने नीचे नप लिए हैं, सिल्की ने अंडे अपने नीचे नपे हुए हैं क्रेट के अंदर, तो इनका काम तो चल रहा है। हम बेसिकली आए थे देखने के लिए दाना पानी इनको और चाहिए तो डाल देते हैं और वरना तो है हम चीखे नीचे करके ना डे क्लोज कर दें इनका। वो देखें पापा बैठे हुए हैं अंडों के ऊपर, मामा कितना है, मामा ये ऊपर घूम फिर रही है, जरा थोड़ी स्ट्रेचिंग चल रही है उसका। हमारे देखें ये चूजे, ये 3 नीचे फिर रहे हैं सील, ये देखें ये आ गया, ये जनासा वो कुछ भी बैठा होता वहाँ से उसने जंप लगाई नीचे। इसको ऊपर चढ़ने का बहुत शौक है, पोटा भरा हुआ है, खाया हुआ थोड़ा सा खाना है ठीक हो। ये देखें ना, ये मेरे नेबर ने ना अपने पास रखा हुआ है ना थोड़ा, तो ये हाथ बर्दाश्त कर लेता है, पास आ भी जाता है। मैंने ज़रा खुले छोड़े हुए ना अपने, तो वो मेरे पास नहीं आते, इनकी मेरे साथ कोई दोस्ती नहीं है, ये दौड़ते हैं मेरे से। जानवर को जितना अपने साथ लगाओगे तो आपके साथ प्यार डालेगा वो, वरना वो आज़ादी पसंद ही रहेगा। ये देखें खुद ही कुछ भी नहीं किया मैंने, तो देखें ज़रा सा उसको चूंच पे प्यार किया था, मेरी बाजू पे आगे चढ़ गया। जानवर के साथ प्यार डालो तो आपके साथ जानवर ज़रूर प्यार करते हैं। मैं इसको 4 दिन लेके फिरा ना, इसका मेरे साथ वखरा प्यार बन जाना है, तो मेहमान वापस भी करना मैंने, ये ना हो तुझे उनसे लेना पड़ जाए, तू मेरे साथ प्यार डाल लेता। अच्छा मैं देखने आया था कि सेकंड अंडा हमारा आ गया कि नहीं आ गया, बताओ भाई। मार पड़ी है, डिस्टर्ब नहीं करते, गुस्सा कर रहा अभी जो मेल है ना। और तुम मेरे साथ क्या सवारी पे निकले हुए हैं, तुमने घूमते फिरते रहना मेरे साथ। यार इनके जो है दिन पता नहीं कितने रह गए हैं कितने नहीं, मुल्तानी शराबी के मैं ज़रा अपना ब्लॉग देख के साथ लगाऊंगा कि इनके कितने दिन रह गए। और यहाँ पे अंडों पे बैठी तो हुई है फीमेल, अंडों पे बैठी हुई है लेकिन अंडों में से निकला कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे क्या थी इतने सारे अंडे, ये सारे इनफर्टाइल होंगे, इसमें से कख नहीं निकलना। बच्चे इसका पता नहीं क्या सीन है, ये हमें कब गुड न्यूज़ सुनाएंगे, कब बेबी आएंगे इनके, कोई पता नहीं। बस ये कुछ दिन मैंने इन अपने लक्कों को भी देना टाइम, उसके बाद ना इनकी टेल जो है ना मैंने पार निकाल देने, ताकि ये भी तरह ना कोई बच्चे वगैरह अंडे दें, बच्चे निकालें। और ये देखें हमारा फील चूजा, ये इसने हमारे से दोस्ती डाल ली मेरे ख्याल से पक्के वाली। तो गाइस आज के व्लॉग को जो है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह जो है वो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय कर दो, बाय कर दो सब्सक्राइबर्स को, बाय।